अब उनके पास सिर्फ अंसारी का मुद्दा है, अंसारी के मुद्दे के लेकर के उन लोगों ने देखा भी है 2022 में, उनके पास और कोई तो है नहीं। तो जब भी उन चुनाव लड़ते हैं तो अंसारी बंदे उनके साथ हो जाते हैं। क्षेत्र में आज आए हुए हैं, सवर्ण को लेकर काफी ज्यादा उपद्रव की स्थिति बनी हुई है, जहां तक लोगों का आरोप है कि सवर्ण जो है भाजपा के साथ नहीं जा रहा है, ऐसे पे आप घूमे हैं तो क्या आपको लग रहा है? देखिए, अभी उपचुनाव हमारा चल रहा है घोषी का जी, हम लोग आए हैं पार्टी के लिए, और ये घोषी की बात नहीं बता रहा हूँ आपको, पूरे प्रदेश में योगी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है। वो अभी 5 तारीख को वोटिंग है, जब गिनती होगा तो दिख जाएगा सबको। जो आपको है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ जमीन पे नहीं है। जनता को जब मालूम है कि अपने विधानसभा का विकास करना है तो सरकार विकास कर सकती है, वो योगी जी ने प्रदेश में करके दिखाया है 6 साल में। तो प्रदेश पहले भी सरकारें थी, और आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो 6 साल में किया है वो घोसी की जनता को पता है, वो दिखेगा भी आपको जो अगला 5 तारीख वोटिंग के बाद, वो आपको दिखेगा। अंसारी परिवार भी कूद पड़ा है घोसी के चुनावी महासमर में, जो चुनाव चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी को कोई पास मुद्दा नहीं है जी जी। अब उनके पास सिर्फ अंसारी का मुद्दा है, अंसारी के मुद्दे के लेकर के उन लोगों ने देखा भी है 2022 में, उनके पास और कोई तो है नहीं। जी 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 जी। तो जब भी उनको चुनाव लड़ते हैं तो अंसारी बंदे उनके साथ हो जाते हैं। जी 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 जी। और हमें लगता है आने वाले समय में तो उनका इतिहास खत्म ही हो रहा है, और भी कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अखिलेश इग्नोर कर रहा है कि मुख्तार से हमारा कोई नहीं है, उनके से मुख्तार से नहीं है, उनके भाई से, उनके भतीजे से, और मुख्तार से नहीं है। जी 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 जी। पहले मुख्तार से था, पहले अफजल से था। जी जी। अब मीडिया ने और सारी चीजें उनके सामने आ गई, उनकी गुंडागर्दी अपराध, और धीरे धीरे अब उनसे नहीं है, उनसे ये तो लोगों को गुमराह करने का तरीका है, उनको मुसलमान का वोट लेना है, इसलिए वो अपना इस तरह की चीज़ों को बनाते हैं। ऐसा कुछ होना नहीं है, जनता जान चुकी है, जनता को डेवलपमेंट से जरूरत है, जनता उस पर काम वोट देती है, और हमारी सरकार आदरणीय योगी जी लगातार जो डेवलपमेंट 6 साल में किए हैं, जो 70-75 साल में नहीं हुआ है, आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 6 साल में करके दिखाया। ये भी चर्चा हो रही है कि अंसारी परिवार एक तरफ, तो आज ब्रजेश सिंह के भी परिवार से आप आ गए हैं, तो ऐसे में क्या चुनावी समीकरण कुछ बदलता हुआ दिखेगा? देखिए, परिवार का होना ये भगवान की देन है, ये हमारी और चाचा की देन नहीं है जी जी। ये भगवान की बनाई हुई चीजें हैं जी जी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहले से जी जी जी। और मेरे पिताजी भी विधायक थे भारतीय जनता पार्टी से, उनका राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत हुआ है जी जी। मैं पार्टी के लिए आया हूँ, और पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है, हम चुनाव अच्छे अंतरों से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि दारा सिंह चौहान दल बदल के आए हैं, जिसके कारण काफी ज्यादा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लोग उनसे नाराज दिख रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हो सकता है कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती है, उसलिए तो हम लोग आए हैं कि सबको मनाएंगे, सबको कहेंगे कि नहीं भाई ठीक है, ये चीजें होती हैं, और बहुत लोगों ने बहुत परिवर्तन किया है राजनीति में, कभी इनके साथ कभी उनके साथ, तो मनाने की जरूरत आन पड़ रही है। हाँ, वो जरूरत पड़ेगी तो हम लोग चल ही रहे हैं, जो लोग नाराज हैं उनसे आप लोग जाने का असर होगा भाई, सबका असर पड़ेगा दे, दे। जो भी हमारे नेता हैं पार्टी के, तमाम बड़े बड़े नेता हैं, सबका असर है, हम लोग भी चलेंगे अपने समाज के लोगों से कहेंगे नहीं भाई वोट देना है, आदरणीय योगी जी को देखना है, आदरणीय मोदी जी को देखना है, देश को देखना है, प्रदेश को देखना है, लोकल चीज़ों में हमें फंसने की जरूरत नहीं है ना।